वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की पंजाब में सियासी मुदाखलत का मामला। ज़राए के मुताबिक अफजल चीमा को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में सियासी मेंबर नहीं बना सकते, ब्यूरोक्रेसी ने एतराज उठा दिए। फवाद चौधरी ने सिफारिश करने की तस्दीक भी कर दी है। मजीद अपडेट्स लेंगे मोहम्मद हसन रजा से। मोहम्मद हसन रजा, बताइए वफाकी मामलात के बाद अब फवाद चौधरी जो हैं पंजाब के मामलात को भी देखेंगे क्या? सामने आ रही हैं उससे देखा जाए तो यही मालूम होता है कि वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की जानिब से जो है पंजाब में सियासी मुदाखलत की जा रही है और उनकी जानिब से 12 नवंबर को एक खत लिखा गया था जो कि पंजाब के सूबाई वजीर को, जिसमें ये कहा गया था मोहम्मद अफजल चीमा को जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब का मेंबर तैनात किया जाए और इसके लिए मामला को देखा जाए। और इसमें जो सीवी उन्होंने साथ लगाई थी उसमें सीवी के अंदर लिखा गया है कि मोहम्मद अफजल चीमा जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और उनकी कारकर्दगी में जो उन्होंने अपने वाजह तौर पे लिखा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में 4500 अफराद को जो है मेंबर बना चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे लेके आते रहे हैं जलसों जुलूसों में। और पार्टी लीडर की इमरान खान जब जलसों इजलास में आते थे तो वहां पर अफराद को लेके आते थे। इस हवाले से जो है ये उनकी परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर उन्हें बोर्ड ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट उनका मेंबर बनाया जाए। इस पर ब्यूरोक्रेसी ने शदीद इतराजात किए हैं और उनका कहना है कि माजी में भी इसी तरह सियासी मुदाखलत के बाइस कंपनियों का जो है उसमें अरबों रुपए के बेजाबतियां और करप्शन सामने आई है और मामला उसी तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से फवाद चौधरी ने मौकफ दिया, उनका ये कहना था कि ये सियासी मुदाखलत नहीं है बल्कि उनको वजीर को लेटर लिखने की बिल्कुल उन्होंने तस्दीक की है और उनका ये कहना था कि ये जो है अफजल चीमा इन्होंने बरूने ममालिक की इन्वेस्टमेंट लानी है जिसके लिए इनकी सिफारिश की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा। फवाद चौधरी की पंजाब में सियासी मुदाखलत की तफसीलात आपने तफसीलन बताई।